जी, अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप लोग के। अच्छा जी, आज हम बहुत एक अहम टॉपिक पे वीडियो बना रहे हैं और आई होप कि ये वीडियो आप सब लोगों के लिए बहुत यूज़फुल होगी और YouTube चैनल के लिए को भी हमने रिसेंटली एक्टिवेट किया है। इंशाल्लाह वी आर कमिंग लाइव, हम रोज़ाना लाइव भी आ रहे हैं और इंशाल्लाह शॉर्ट वीडियोज़ का सिलसिला भी हमारा जारी रहेगा। तो आज का जो हमारा टॉपिक है डेट इज़ सक्सेस। अच्छा देखिए, सक्सेस जो है ना वो बहुत आसान है, इसको बिल्कुल भी कन्फ्यूज़ ना करें। सक्सेस जो है वो बहुत आसान है, इसको कन्फ्यूज़ ना करें। अगर आप इस वर्ड को कन्फ्यूज़ करेंगे तो पहला काम तो ये होगा कि जहाँ पे कन्फ्यूज़न आ जाती है वहाँ पे एक्शंस डिलेड या एक्शन होते ही नहीं, हम लोग उसमें एक्शन स्लो हो जाता है या नहीं होता है। तो कन्फ्यूजन को ना रखें। सक्सेस कहते हैं अचीवमेंट ऑफ गोल। सक्सेस इज़ वेरी सिंपल, अचीवमेंट ऑफ गोल। गोल को अचीव करने को कामयाबी कहते हैं। और अक्सर लोग जो नाकाम होते हैं वो इसलिए नहीं होते कि उनके पास रिसोर्सेज नहीं होते। अक्सर लोग जो नाकाम होते हैं वो इस वजह से नाकाम होते हैं कि वो गोल सेट नहीं करते। अक्सर लोग जो नाकाम होते हैं वो इसलिए नाकाम होते हैं कि वो गोल सेटिंग नहीं करते। तो मेरी आप लोगों से दरख्वास्त है कि भाई कामयाबी को समझें। कामयाबी बहुत आसान चीज़ है। और कामयाबी बेसिकली क्या है? कामयाबी अपने गोल को अचीव करने का नाम है। और जो ज़्यादातर लोग नाकाम होते हैं वो इसलिए नाकाम नहीं होते कि वो उनके पास रिसोर्सेज नहीं होते या पैसे नहीं होते। वो नाकाम इसलिए होते हैं, वो गोल सेट नहीं करते। अब मैं आपको अपना बताऊँ ना कि मैं वीडियोज़ देखता रहता हूँ, अक्सर लोग तो प्रोसेस को ही कामयाबी समझ लेते हैं। अक्सर लोग जो हैं वो प्रोसेस को कामयाबी समझ लेते हैं, जबकि प्रोसेस कामयाबी नहीं होती, गोल को हासिल करना कामयाबी होती। तो देर आर लॉट्स ऑफ डेफिनेशन जो लोग देते हैं कामयाबी की। तो आपने इस धोखे में नहीं आना भाई, मैं एज ए नफ्सियात एक्सपर्ट, टाइप एक्सपर्ट आपसे ये बात कहूँगा। ये हमारे जहन मुख्तलिफ हैं, हमने नफ्स के धोखे में नहीं आना। तो कामयाबी क्या है? कामयाबी है कि गोल को अचीव करना। और जो मोस्ट कॉमन रीज़न है फेलियर का वो ये नहीं है कि हमारे पास रिसोर्सेज नहीं होते, वो ये है कि हम अपने गोल सेट नहीं करते। अच्छा, गोल बहुत सिंपल सा सेट करें। चार एरियाज़ में आपने गोल सेट करने होते हैं। एक तो भाई अल्लाह से ताल्लुक़ का गोल सेट करें कि आपने अल्लाह से कैसा ताल्लुक़ बनाना है, कितनी इबादत करनी है, क्या करना है, किस वक्त तस्बीहात करनी है, कौन सी नमाज कैसी पढ़नी है। सेकेंड जो आपने गोल सेट करना है वो आपने सेहत का गोल सेट करना। सेहत बहुत बड़ी नेमत है, आपको कैसी सेहत चाहिए? जब आप 60 साल के हों, 70 साल के हों, 80 साल के हों, तो आपको कैसी सेहत चाहिए? कितनी देर आप चल सकें, कितनी देर दौड़ सकें, वज़न कितना हो, ब्लड प्रेशर कितना हो, हार्ट रेट कितना हो। आजकल स्मार्ट वॉचेज़ आ गई हैं, तो आप ख़ुद डिसाइड करें कि आप कैसा बुढ़ापा चाहते हैं, कैसी सेहत चाहते हैं। तीसरा जो डोमेन है वो है रिलेशनशिप। अगर आप अनमैरिड हैं तो अपनी मैरिटल लाइफ को प्लान करें, आपको बीवी कैसी चाहिए, बच्चे कितने चाहिए, आपको उनको कैसे पढ़ाना है, कैसे लिखाना है, सब प्लान करें, गोल सेट करें। और उसके बाद फिर आप अपने और जो रिश्तेदार हैं उनसे कैसे ताल्लुक मेंटेन रखना है, इसको आपने प्लान करना है। और जो चौथा एरिया है वो फाइनेंशियल है, कि आपको पैसे, कारोबारी ज़िंदगी कैसे चलाना है, आपने कैसे जो है वो पैसे कमाने हैं और कितने पैसे कमाने हैं। देखिए, इसमें बचत नहीं है, लोग तो पता नहीं पैसे के नाम से शर्मा जाते हैं, तो डोंट डू डैट। देखिए, पैसा एक बहुत बड़ी ज़रूरत है, आप प्लान करें कितने पैसे चाहिए। और इन चारों एरियाज में गोल सेटिंग करने के लिए आपको चाहिए कि सबसे पहले तो गोल सेटिंग सीखें। स्मार्ट गोल क्या होते हैं? गोल सेटिंग स्मार्ट तरीके से होती है, स्मार्ट, SMART। ये बहुत ज़्यादा नेट पे अवेलेबल है, मैं भी इस पे वीडियो बना दूंगा। तो गोल आपके स्पेसिफिक होने चाहिए, मेजरेबल होने चाहिए, टाइम बाउंड होने चाहिए, तो अटेनेबल होने चाहिए। तो ये स्मार्ट टेक्निक है गोल सेटिंग की। तो इंशाल्लाह अगर आप स्मार्ट गोल सेट करेंगे तो वो आप ज़रूर दुनिया में कामयाब होंगे। देखें, दुनिया में सबसे कीमती चीज़ आपका वक्त है, और वो ज़ाया हो जाता है अगर हम अपनी प्लानिंग नहीं करते, हमारे गोल सेट नहीं होते, तो बहुत कीमती चीज़ ज़ाया हो जाती है। तो ये मेरा आप लोगों को मैसेज है, इंशाल्लाह हम और वीडियोस बनाएंगे, आपको अच्छा लगेगा इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम।